पाकिस्तान में हमारा रिवायत है, हमारा कल्चर है म्यूचुअल रिस्पेक्ट का, इज्जत का, हम एक दूसरे को इज्जत देते हैं और एहतराम करते हैं। ये वजीर आजम का एटीट्यूड ना सिर्फ इल मैनर्ड है मगर साथ साथ एक नॉन सीरियसनेस दिखाती है और एक बार फिर पैगाम मुल्क को दे रहा है कि जो भी क्राइसिस हो, चाहे वो कश्मीर का क्राइसिस हो या हमारा नेशनल इकोनॉमिक क्राइसिस हो या इस वक्त जो कोरोना वायरस का ग्लोबल क्राइसिस है, वजीर आजम साहब नेशनल कंसेंसस और यूनिटी कायम करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। इस पे हम अब भी वजीर आजम को अपील करते हैं कि वजीर आजम साहब अपना अप्रोच पे नजरसानी करें और मिलके, हमें सब मिलके इस बीमारी का मुकाबला करना है। आप इस मुल्क का वजीर आजम हो और इस मुल्क का वजीर आजम का काम होता है कि जब एक मुल्क, एक कौम, एक नेशनल क्राइसिस, एक ग्लोबल क्राइसिस का मुकाबला कर रहा है तो उनका वजीर आजम एक लीडरशिप रोल अपनाए, वफाक को लीड करे, यूनिटी कायम करे अपने मुल्क में। यह आपका जिम्मेदारी है, ये किसी को आप कोई फेवर नहीं दे रहे हो। वजीर आजम साहब जब आप क्यादत करते हो, अगर आपने नेशनल कंसेंसस बनाना है, ये आपका जिम्मेदारी है बहैसियत वजीर आजम पाकिस्तान। हम अब भी समझते हैं कि अगर वजीर आजम साहब सीरियस है तो उसको पार्टी क्यादत से विचार करना चाहिए और एक कंसेंसस बनाने की कोशिश करना चाहिए। हम मिलके अब भी इस वायरस का मुकाबला करने को तैयार हैं, लेकिन हम समझते हैं कि वजीर आजम साहब को शायद से ब्रीफ नहीं किया जा रहा है, जो वो फैक्ट्स एंड फिगर्स जो वजीर आजम साहब के सामने रखा जा रहा है, वो जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारे सामने रखा जा रहे हैं, वो उनमें शायद कोई फर्क होगा। हम समझते हैं कि ये कोरोना वायरस की बीमारी जो पूरी दुनिया में फैल रही है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में लोग बीमार हो रहे हैं और जिसकी वजह से अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पूरी दुनिया में लोग फौत भी हो रहे हैं, पाकिस्तान में भी लोग इस बीमारी की वजह से उसी ट्रेजेक्टरी में खुदा ना खास्ता बीमार भी हो सकते हैं और खुदा ना खास्ता फौत भी हो सकते हैं। जो भी ममालिक इस बीमारी का मुकाबला कर रहे हैं, जितना भी अमीर हो, जितना भी गरीब हो, ये बीमारी कोई फर्क नहीं देखता, हर किसी को एक ही तरीके से अफेक्ट करता है। इस वक्त तक हमने अपने सामने देखा है कि कैसे उन ममालिक जिनमें उनका हेल्थ केयर का निजाम हमसे बहुत एडवांस है, जैसे कि चाइना का हेल्थ केयर का निजाम, ईरान का हेल्थ केयर का निजाम, इटली का हेल्थ केयर का निजाम, स्पेन का हेल्थ केयर का निजाम कोरोना वायरस के बोझ के नीचे डूब रहा है। पाकिस्तान की स्टेटिस्टिक्स आपके सामने है कि अगर हम कंपेयर करते हैं कि हॉस्पिटल बेड पर 1000 पीपल, तो यूनाइटेड किंगडम में हर 1000 पीपल के लिए 2.8 हॉस्पिटल बेड्स है। स्पेन में जो इस वक्त ओवरवेलम है कोरोना वायरस की बीमारी की वजह से, हर 1000 लोग के लिए 3 बिस्तर, 3 हॉस्पिटल बेड्स है। इटली में हर for every 1000 people there 2.4 beds, China mein for every 1000 people there's 4.2 beds, Pakistan mein har 1000 aadmi ke liye for every 1000 people there's 0.6 beds. Agar hamara mumalik mein hamara population ke sath ye bimari utni tezi ke sath phailta hai, अब वो एक बार सीरियसली और मिलके एक कौम की तरह नहीं उठाते हैं इस बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए, तो फिर हमारा खौफ है कि अगर खुदा ना खास्ता
ये बीमारी उस तेजी की तरह उस तेजी के साथ फैलता है, तो ना सिर्फ हमारा सेहत का निजाम डूब जाएगा लेकिन हम मैनेज नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम इंसिस्ट कर रहे हैं कि वफाक की आदत करें और वफाक पूरा मुल्क में वो इकदाम उठाए जो इसकी फैलाव, इस वायरस की फैलाव को कम कर सकता है, उन पेशेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो इस बीमारी का शिकार हुए हैं, और इस दरमियान जब हम ये सख्त कदम उठा रहे हैं तो उस वक्त में हम अपना कैपेसिटी बढ़ाए, हम अपना हॉस्पिटल बेड्स का कैपेसिटी बढ़ाए, हम अपना टेस्टिंग किट्स का कैपेसिटी बढ़ाए, हम कितने टेस्ट एक दिन में कर सकते हैं वो कैपेसिटी बढ़ाए, हम अपना प्रिवेंटिव किट्स पीपीआई का जो सामान है डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, पैरामेडिक्स के लिए हम वो मंगवाए, हम अपना जो वेंटिलेटर्स का स्टॉक है उसमें इजाफा करें, हम अपने जितने डॉक्टर्स हैं और डॉक्टर्स रिक्रूट करना पड़ेगा और नर्सेस रिक्रूट करना पड़ेगा, हम वो तैयारी करें ताकि हम इस बीमारी का मुकाबला कर सकते हैं। आई एम श्योर दैट द प्राइम मिनिस्टर हैज बीन शोन द रिसर्च फ्रॉम द फ्रेड हचसन कैंसर रिसर्च सेंटर इन सियाटल, जो कि मार्च 12 पे अपना स्टडी रिलीज किया था पाकिस्तान के केसेस के बारे में, और उन्होंने फरमाया कि जिस तेजी के रफ्तार से पाकिस्तान में ये बीमारी फैल रही है, अगर पाकिस्तान की हुकूमत वो सख्त कदम नहीं उठाते हैं जो कि सामाजिक फासला के लिए, सोशल डिस्टेंस के लिए जरूरी है, तो उसका नुकसान होगा। आज अपनी तकरीर में वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया कि पाकिस्तान में बहुत से कम केसेस लोकल ट्रांसमिशन की वजह से है। ये फैक्ट्स पे, हकीकत पे मबनी नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान का सिचुएशन इस वक्त क्लासिफाई किया है कि हम लोकल ट्रांसमिशन से अब इफेक्टिव हैं। सिंह के अपने नंबर्स के बारे में मैं आपको बता सकता हूं कि सिंह में हमारे सखर की क्वारंटीन में 265 पेशेंट्स हैं, उनका वो बिल्कुल क्वारंटीन में है, वो किसी और से नहीं मिल रहे, उनसे हमारा कोई खतरा नहीं है कि ट्रांसमिशन का स्प्रेड होगा। लेकिन जो हमारे 148 केसेस हैं जो इस वक्त तक हमने आइडेंटिफाई किए हैं सिंध में, कराची में खास तौर पे, उनमें से 54 had a travel history and 94 cases were local transmission. तो इसका मतलब ये है कि हमारा कराची के 148 केसेस में से अगर 94 केसेस लोकल ट्रांसमिशन है तो 64% of our cases are locally transmitted cases. हम इन हकीकत को हमारे सामने रखते इस पे सोचना चाहिए कि पाकिस्तान क्या इकदमात उठा रहे हैं और क्या ये काफी इकदमात है। हम समझते हैं कि हमें बहुत और सीरियसनेस के साथ इस इश्यू का मुकाबला करना पड़ेगा। हमें सेल्फ आइसोलेशन को, क्वारंटीन को, अपना लॉकडाउन को सीरियसली लेना पड़ेगा। हमें प्लान करना पड़ेगा अपने जो फैसिलिटीज हैं उनमें इजाफा करने के लिए वो फुटिंग पे। हमारी नजर में हमें सिर्फ और सिर्फ दो चीजें पे आज इस वक्त खर्च करना चाहिए, हमारा पूरा रियासत का फोकस होना चाहिए। एक, हमारा कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, हमारा टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, हमारा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, हमारा आइसोलेशन एंड क्वारंटीन का कैपेसिटी, हमारा हॉस्पिटल बेड्स का कैपेसिटी, हमारा टेस्टिंग किट्स का कैपेसिटी, हमारा वेंटिलेटर्स का कैपेसिटी, हमारा मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ का कैपेसिटी, इन चीजों पे हमें ध्यान देना चाहिए। और साथ साथ रिलीफ पे और हमारा मीशत पे कि हम उस तबका को रिलीफ पहुंचाए जो जिनको जरूरी होगा इस वक्त, और हमारा मीशत में वो स्टिमुलस और वो स्टिमुलस दे ताकि वो
इस मुआशी बहरान का जो इस कोरोना वायरस का असर है वो उसका ताकि हम वो उसका मुकाबला कर सकते हैं. वजीर आजम साहब, the Prime Minister seems to think that this can be a bottom-up approach. This can be a bottom-up approach, and everyone can decide for themselves. We are not islands. Pakistan is a country, a form. We have to take all the difficult decisions. And no lockdown will be beneficial if we are not taking similar steps. I do not understand that Punjab's government's lockdown फायदेमंद होगा अगर इस्लामाबाद में वैसा ही लॉकडाउन नहीं हो रहा. बहुत जरूरी है कि हम मिलकर वो कदम उठाएं, और हमें ये समझना भी जरूरी है कि सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन अनाउंस करना काफी नहीं है. हमने लॉकडाउन के साथ साथ कंटेनमेंट एंड आइसोलेशन इंश्योर करना है, टेस्टिंग 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 करना है, अपना टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाना है. वो पब्लिक हेल्थ मेजर्स लेने पड़ेंगे. वो पब्लिक हेल्थ मेजर्स लेने पड़ेंगे ताकि हमारे पास वो सलाहियत हो कि हम इस बीमारी का मुकाबला कर सके. मैं आपके सामने कुछ तजवीज डालना चाहता हूँ जो हम वजीर आजम के सामने भी डालने चाहते थे. जहां तक हमारा मीशत का मामला है, हम समझते हैं कि जो वजीर आजम साहब ने मुआशी पैकेज ऐलान किया, हमने मुतालबा किया था अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमें इकोनॉमिक इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे. हमने कोई एग्जांपल्स भी दिए हैं, लेकिन गिवन द वे दैट द स्टॉक मार्केट हैज रिएक्टेड आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर्स अनाउंसमेंट, ऐसे लग रहा है कि जो वजीर आजम ने कदम उठाए हैं वो काफी नहीं है. इसके साथ साथ हम समझते हैं कि इस बार हमने अपने गरीब आवाम का ख्याल रखना है. हमने उनका उनको उनका सेहत का, उनका जिंदगी को भी यकीनी बनाना है, और उनका मुआशी सूरत हाल को संभालना है. इसको करने के लिए वफाकी हुकूमत को जो हमारा गरीब तबका है, हमारा वर्किंग तबका है, उनको गारंटी करना पड़ेगा 15,000 रुपीज अ मंथ फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट. हमें लोड शेडिंग को खत्म करना पड़ेगा अगर हम अपने अवाम को उनके घर में आइसोलेट कर रहे हैं. हमें इलेक्ट्रिसिटी के जो फीस है जो 500 रुपीज तक है उनको बिल्कुल माफ करना पड़ेगा. जो गैस फीस है 2000 रुपीज तक उनको भी बिल्कुल माफ करना पड़ेगा. इसमें वफाकी हुकूमत की मदद की जरूरत होगा. हमें अपना पेट्रोलियम प्राइसेस को एटलीस्ट 50% से कम करना पड़ेगा. हमें अपना इंटरेस्ट रेट्स को सिंगल डिजिट तक लाना पड़ेगा. हमें जो ये रिलीफ फंड्स है अपने कोरोना एफर्ट्स के लिए, हुकूमत ने सिंध में सबसे पहले कोरोना का मुकाबला करने के लिए अपना रिलीफ फंड सेटअप किया, दूसरे सूबों ने भी किया, मेरा ख्याल में वफाक भी करेगा. इन रिलीफ फंड्स के बैंक अकाउंट्स के लिए आप सीएनआईसी कार्ड्स के रिस्ट्रिक्शंस खत्म करते ताकि हम कैश डोनेशंस भी दे सकते हैं और जल्दी के साथ ले सकते हैं. इस वक्त हमें हंगामी मेजर्स लेने पड़ेंगे. इसलिए हम समझते हैं कि हम अगर गरीब मुल्क है तो उतना ही जरूरी है कि हम जल्द सख्त कदम उठाए. मैं नहीं समझता हूं कि पाकिस्तान की रियासत को ये पैगाम देना चाहिए कि अगर आप अमीर हो, अगर आपके पास वसाइल हो, तो आपका सेहत का आप अपना ख्याल भी रख सकते हो, आप रख भी ले, आप घर में सेल्फ आइसोलेशन करें. मगर अगर आप गरीब हो, अगर आप मजदूर तबका से ताल्लुक रखते हो, अगर आपका जिंदगी उस तबका से ताल्लुक रखते हो, अगर आप गरीब तबका से ताल्लुक रखते हो, तो रियासत पाकिस्तान के पैगाम ये नहीं हो सकता है
कि अगर आप बीमार हो जाते हो तो हमें कोई फिक्र नहीं, अगर आप खुदा ना खास्ता बीमार होके मर जाते हो हमें कोई फिक्र नहीं। ये पाकिस्तान की रियासत का पैगाम नहीं हो सकता है। पाकिस्तान की रियासत को ये पैगाम देना पड़ेगा कि जो भी आपका स्टेटस है, आप अमीर हो या आप गरीब हो, हम आपका सेहत का भी ख्याल रखेंगे, हम आपका जिंदगी को बचाएंगे। और अगर आप कम साल से गरीब तबके से मजदूर तबके से डेली वेज अनुभव जिम्मेदारी भी उठाएंगे कि हम आपको मुआशी हालात को भी संभालेंगे। ये कोई एक सिटी या कोई एक सूबा नहीं कर सकता। इस काम को करने के लिए कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए और हमारा मुआशी सूरत हाल को संभालने के लिए, हमारा गरीब तबका को संभालने के लिए वफाकी हुकूमत को अपना जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा। मैं समझाना चाहता हूँ कि ये जो वायरस है ये कितना कंटेजियस है। हमारा अपना ब्रीफिंग में, हमारा जो आज पार्लियामेंट्री कमेटी में हमने सुना था, अपना जो वफाकी सेहत का स्पेशल असिस्टेंट है वो फरमा रहा था कि अगर आप ये बीमारी आपको होता है तो आप सिर्फ 3 लोगों को इन्फेक्ट करेंगे और इसकी वजह से इतना 2 लोगों को इन्फेक्ट करेंगे और इसकी वजह से इतना खतरा नहीं है। मैं बड़ा हम्बली प्रेजेंट करना चाहूंगा कि वो अगेन फैक्ट बदली नहीं है। अगर आपको अगर मैं फ्लू को, जुकाम को कोरोना वायरस से कंपेयर करना चाहूंगा फैक्ट्स के साथ और आपको समझाना चाहूंगा कि कोरोना वायरस जुखाम से, आम जुखाम से कितना ज्यादा फैलता है। अगर आपको जुखाम होता है, नॉर्मल कोल्ड होता है, फ्लू होता है, तो ऑन एवरेज यू विल अफेक्ट 1.3-1.4 पीपल को एक दूसरा राउंड इन्फेक्ट करेंगे। जब तक ये 10 दफा हो जाता है आप 14 लोगों को, 14 लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं आम जुकाम के साथ, नॉर्मल फ्लू के साथ। अगर कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस ऑन एवरेज 3 आदमी को इन्फेक्ट करता है, वो इतना ज्यादा नजर नहीं आता है कि कोरोना वायरस को इन्फेक्ट 3 पीपल। लेकिन जब ये दूसरी दफा होता है और फिर 10 दफा तक हो जाता है तो 59,000 पीपल आर इन्फेक्टेड बाय वन। ये इसका फैलाव की फर्क है आम जुकाम में, आम फ्लू में और कोरोना वायरस में। कोरोना वायरस का शराय अमवात आम जुखाम से, फ्लू से ज्यादा है और अभी तक हमें नहीं पता कि ये उसका एंड में क्या निकलेगा। इसका रियल शराय अमवात सिर्फ तब पता लगेगा जब हम इस क्राइसिस से निपटाएंगे, इस क्राइसिस से निकलेंगे। इस वक्त इटली में उनका शराय अमवात इस वक्त कोरोना वायरस से वो 10% है। अगर कोई इकदम नहीं उठाया जाए तो अगर हम कोई इकदम नहीं उठाते हैं, सख्ती के साथ इस फैलाव को नहीं रोकते हैं, तो उस वो नुकसान हमारा अवाम पे होगा। डॉन न्यूज ने अपने स्टडी करवाया है और उस स्टडी के मुताबिक उन्होंने पाकिस्तान के फिगर्स एनालाइज किया है और वो कह रहे हैं कि every 6 days if no mitigation social distancing and lockdown measures are taken तो फिर ये जो कोरोना वायरस का फैलाव है वो हर 6 दिन बाद डबल हो सकता है। अगर ये इस ट्रेजेक्टरी पे जाता है एंड वी टेक इनटू अकाउंट दैट द रिपोर्टेड कोरोना एवरेज ग्लोबली रिपोर्टेड कोरोना वायरस केसेस आर 8-10 times less than the confirmed number of coronavirus cases. Using these metrics and assumptions, Dawn का report कहता है कि अगर पाकिस्तान में सही कदम नहीं उठाया जाता है तो coronavirus infections पाकिस्तान में 2 crore तक पहुंच सकता है June 5th तक। अगर सख्त कदम नहीं उठाया जाता है, अगेन ये Dawn की स्टडी के मुताबिक है, अगर सख्त कदम नहीं उठाए जाते हैं इस वायरस के फैलाव को कम करने के लिए, तो फिर अगर सिर्फ और सिर्फ 10% लोग हॉस्पिटलाइज भी हो जाते हैं तो उसका मतलब ये होगा कि 2 million पीपल विल रिक्वायर हॉस्पिटलाइजेशन। अगर इसके साथ साथ
हम ये इस पे भी फोकस डालते हैं कि पाकिस्तान में सिर्फ 130,000 हॉस्पिटल बेड्स है, तो हम कैसा इस बीमारी के जो प्रोजेक्टेड फिगर्स है उसका मुकाबला कर सकते हैं? हम सिर्फ और सिर्फ ऐसे कर सकते हैं अगर हम अब से वो मुश्किल और सख्त इकदाम उठाएं ताकि हम अपने अवाम का सेहत को तहफ़ुज़ दिलवा सके, उनका जिंदगी को भी तहफ़ुज़ दिलवा सके और लॉन्ग टर्म में हमारा मईशत को भी संभाल सके। जितना भी लंबा ये खींचेगा उतना ही असर होगा आपका मईशत को। जितना देर हम जितना देर ये हम लेंगे क़यादत दिखाने में, सब फैसले लेने में, उतना ही ज्यादा नुकसान होगा इस मुल्क के गरीब अवाम पे। हमें जल्द अज जल्द और फौरन वो सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, मिलकर वो फैसले लेने पड़ेंगे और इस इशू को सीरियसली लेने पड़ेंगे ताकि हम एक यूनिटी के साथ इसका मुकाबला कर सके। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और मैं मुख्तलिफ जर्नलिस्ट से उनके सवाल का जवाब देने को भी तैयार हूँ, चाहे वो हमारा कश्मीर में जो हम एक नया तारीखी क्राइसिस के मुकाबले कर रहे हैं, चाहे वो हमारा मुआशी बहरान है और अब चाहे वो कोरोना वायरस हो। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की तरफ से मेरा पैगाम वाजे है, वही है जो शुरू दिन से था कि नेशनल इश्यूज पे हम एक है, हम नेशनल इश्यूज पे सियासत भी नहीं करना चाहते। हर मौके पे चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो हमारा मुआशी बहरान हो, किसी भी एक इशू पे ये वो वाहिद वज़ीर आज़म है जिसने कभी भी इस मुल्क की क़यादत को इकट्ठा नहीं कर सका। ये जब कोरोना वायरस का पहला केस हुआ था, केसेस हुए थे, मैंने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, उसमें मैंने ऐलान कहा, साफ कहा कि हम आज भी सियासत नहीं करना चाहते हैं। हम वज़ीर आज़म का अगर तो वज़ीर आज़म की कुर्सी का इज्जत करते हैं और समझते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल है हैसियत वज़ीर आज़म नेशनल क्राइसिस में अपने मुल्क की आदत करने को, इसी वजह से कि जब ये दावत आया हुकूमत की तरफ से हमने दावत भी कबूल की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वज़ीर आज़म साहब ने वॉकआउट किया उनका अपना ही मीटिंग से। हम आज भी आपके थ्रू पैगाम भेज रहे हैं कि हम कंसेंसस के लिए तैयार हैं, हम यूनिटी के लिए तैयार हैं। नेशनल कंसेंसस जरूरी है, लेकिन ये नेशनल कंसेंसस बनाना वो सबसे मेन जिम्मेदारी वो फाक का होता है। वो हम अपना कोशिश अपनी जगह कर रहे हैं, जैसे तो आपने देखा होगा कि कल हमने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के साथ सारे सियासी जमातों के साथ 4-5 घंटे तक एक तफसील डिटेल ब्रीफिंग किया, मीटिंग किया कोरोना वायरस के हवाले से। जी बिल्कुल, ऑल्सो शिवाशीष साहब जब वजीर आला था तो डेंगू का मुकाबला के लिए बड़े सख्त कदम उठाए गए और बड़ा अच्छे अंदाज से इस बीमारी का मुकाबला किया गया, लेकिन डेंगू और कोरोना वायरस में जमीन आसमान के फर्क। जो कोरोना वायरस है वो इस वक्त एक ग्लोबल क्राइसिस है, a global crisis that is threatening to not only swamp this health system of Pakistan but is threatening to overwhelm the health system of the globe. Aur iska muqabla karne ke liye humne war footing pe jab hame pata hai ki kam resources, jab hame pata hai ki hamara sehat ka nizam kya hai, to phir war footing pe wo ek kadam uthana padega jo hamara capacity bada sakte hain। हम वो हमारा सफाई सतह पे जितना हम कर सकते हैं अपना कैपेसिटी भरा रहे हैं, मगर वो बाप के पास ज्यादा रिसोर्सेज है, ज्यादा जिम्मेदारी है कि वो हमारा कैपेसिटी भी बढ़ाए। जहां पर दूसरे ममालिक के साथ काम कर रहे हैं, मैं आपके सामने डिटेल्स नहीं रखना चाह रहा हूँ इस वक्त, लेकिन कुछ जो डॉक्टर्स है चाइना से वो कुछ जगह में रबते में है और उस पर काम हो रहा है, इसमें मजीद काम भी होगा जिसपे आप सामने रखेंगे। फयाज मंदी साहब,
आपकी हर जगह तारीफ हो रही है माशाल्लाह। सिंध गवर्नमेंट की जो अनाउंसमेंट आई, स्कूल्स बंद किए गए, शुरू में क्रिटिसिज्म हुआ लेकिन फिर सबने उसको एक्सेप्ट किया। उसके बाद भी आपकी काफ़ी पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स हैं फेडरल गवर्नमेंट से। आप कहते रहे कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्टेप्स लेने पड़ेंगे, लेकिन जो मेरा सवाल ये है कि सिंध में प्रैक्टिकली ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है सवाए अनाउंसमेंट्स के। जैसे आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग है, मतलब आपके जो हेल्थ सिस्टम है यहाँ पर, वो आपको भी पता है कि वो जो करंट आपका सीन है उन लोगों से भी वो नहीं कर पाता, उनको कैटर नहीं कर पाता। तो क्या सिंध गवर्नमेंट के जो दीगर इदारे हैं आपके पास, ठीक है अगर फेडरल गवर्नमेंट आपको हेल्प नहीं करती, तो ऑन योर ओन क्या आप सिंध गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं, इतने सारे आपके पास डिपार्टमेंट, क्या उनकी आप कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं एज अ पैरामेडिक? क्या इसी तरह जैसे आपने कहा कि चाइना से आप हेल्प ले रहे हैं, तो इतने आपके पास डॉक्टर्स तो आ नहीं सकते, तो क्या उनको एज अ पैरामेडिक कोई इस किस्म की ट्रेनिंग का कोई आप कर रहे हैं इंतजाम? ऑब्वियसली आपके सवाल का शुक्रिया। और अगर ए आर वाई सवाल पूछ रहा है तो उनको सिंध का सेहत का निजाम तो कभी नजर नहीं आएगा। हकीकत तो ये है कि पाकिस्तान में सिंध में बाकी सूबा के मुकाबले में हुकूमत के जो हॉस्पिटल्स है वो बाकी सूबे से ज्यादा है। मगर जैसे मैं कह रहा हूँ, अभी मेरा फिगर्स नहीं है, पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स का फिगर्स मैं आपको भेज सकता हूँ। मगर मेरा पॉइंट ये है कि हमारा हेल्थ सिस्टम बिल्कुल इसका मुकाबला नहीं कर सकेगा, इसलिए किसी का हेल्थ सिस्टम मुकाबला नहीं कर सकता। अगर मेरा हेल्थ सिस्टम में, पाकिस्तान का हेल्थ सिस्टम में, जैसे मैंने शुरू में कहा, फॉर एवरी 1,000 पीपल इट इज 0.6 बेड्स, एंड इन इटली फॉर एवरी 1,000 पीपल देयर 3.4 बेड्स, बट इटलीज हेल्थ सिस्टम हैज बीन ओवरवेलम्ड, तो फिर मुझे नजर आ रहा है कि पाकिस्तान का हेल्थ सिस्टम भी खुदा ना खास्ता ओवरवेलम हो सकता है अगर हम जल्दी ये कदम नहीं उठाते। इसलिए सिंध हुकूमत ने फौरन कैपेसिटी में इजाफा डालने के लिए कदम उठाए, जैसे कि हमने फील्ड हॉस्पिटल फौज के साथ एस्टैब्लिश किया है एक्सपो सेंटर, और फील्ड हॉस्पिटल्स एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। जैसे हमने हंगामी बुनियादों पे आइसोलेशन सेंटर्स बनाए हैं और बनाना पड़ेगा। हमारा टेस्टिंग कैपेसिटी, हम वो वाहिद सूबा है जो मुसलसल अपना टेस्टिंग, नॉट सिर्फ टेस्टिंग किट्स, जितना टेस्टिंग किट्स आपके पास है वो काफी नहीं है, मगर हमारा जो टेस्टिंग कैपेसिटी है उस पर भी काम कर रहे हैं, उस पर भी कोशिश कर रहे हैं कि उसमें इजाफा हो। शुरू में बहुत कम टेस्टिंग कैपेसिटी था, हम सिर्फ 100 या 200 टेस्ट डे कर सकते हैं। दिस वीक ऑनवर्ड आवर टेस्टिंग कैपेसिटी हैज इंक्रीज्ड टू मोर देन 1,200 टेस्ट पर डे, एंड वी आर एमिंग टू गो टू 3,400 टेस्ट पर डे। लेकिन मेरे पास जो सूबाई हुकूमत है उसमें उतना ही सलाहियत होगा जो अपना ही मौजूदा हेल्थ सिस्टम है उसको चलाने के लिए। उससे ज्यादा कैपेसिटी बिल्डिंग में हमें मदद चाहिए होगा वफाक से, वफाक से हर जगह पे हमें कैपेसिटी बिल्डिंग में मदद चाहिए होगा। हम खुद डॉक्टर्स भी एम्प्लॉय करेंगे, वफाक से भी हम मुतालबा कर रहे हैं कि पैरामेडिक डॉक्टर्स एम्प्लॉय और हमें भेजे, खुद भी हम किट्स के बंदोबस्त कर रहे हैं और वफाक से मुतालबा कर रहे हैं कि ये आपका काम है पहुंचाए, ना सिर्फ सिंध को, पूरा मुल्क में पहुंचाए, ना सिर्फ पहुंचाए, उनका टेस्टिंग कैपेसिटी में इजाफा करें, पख्तूनख्वा की टेस्टिंग कैपेसिटी में इजाफा करें, सिंध बलूचिस्तान में, इस्लामाबाद में, पंजाब में, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में हमने आइसोलेशन और लॉकडाउन के साथ साथ टेस्ट करना पड़ेगा। अगर हमें पता ही नहीं है कि कौन बीमार है तो फिर हम इस बीमारी का फैलाव नहीं रोक सकते हैं। ये कोई सियासी बयानबाजी का या इख्तलाफात की बात नहीं है, मैं आपका प्रेज नहीं चाहता हूँ, आप हमें अप्रिशिएट ना करें, आप मुतालबा करें कि बाकी सब सख्त कदम ले, बाकी सब जल्द से जल्द वो कदम ले ताकि हम जल्दी इससे
इस इश्यू से निकल सके। अगर ये जो सेल्फ आइसोलेशन है, कंटेनमेंट है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है, अगर हम ये चीजें नहीं करते हैं और ये बीमारी फैलती है, तो फिर हम हमारा पूरा हम बहुत खतरनाक और मुश्किल सिचुएशन में हो जाते हैं। हम दिस इज नॉट अ कॉम्पिटिशन अमंग्स ईच अदर, ये एक मुकाबला है कोरोना वायरस का मुकाबला। ये आप पीपुल्स पार्टी से या नून लीग और पीटीआई की नहीं, पाकिस्तानी हो गए, इंसान बन गए, पूरा इंसानियत का मुकाबला। इसलिए हमें इसको संजीदगी के साथ लेना पड़ेगा। हम अपने बस की जो कर सकते हैं, अपना कैपेसिटी में इजाफा करने के लिए हम कर रहे हैं। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो 10 वीक्स को वजीर आला सिंध ने वफाक को मुतालबा किया, वो मुतालबे पूरे हो, वो रिसोर्सेज के मुताबिक। हम मुतालबा कर रहे हैं कि जो हक वजीर आला सिंध चार्टर ऑफ डिमांड्स के तौर पे वफाक को भेज रहे हैं, उस पे ना सिर्फ सिंध के लिए, पूरा मुल्क के लिए हमें अमल करना। डॉन अखबार इस्लामाबाद से आमिर वसीम साहब हैं। आमिर वसीम साहब सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम जी, आमिर वसीम डॉन से जी। मेरा बिलावल साहब से सवाल यह है कि जो बार बार लॉकडाउन के हवाले से दूसरे सूबों से और दूसरी हुकूमतों से मुतालबा कर रहे हैं, ऑलमोस्ट जो सिंध ने लॉकडाउन किया है वही लॉकडाउन इस वक्त पंजाब में इस्लामाबाद में हो चुका है। अब जो बार बार बिलावल साहब मजीद जोर दे रहे हैं, तो क्या बिलावल साहब वाजे कह सकते हैं कि उनका मुतालबा कर्फ्यू लगाना है पूरे मुल्क के अंदर? सर एक तो let me just put some facts for you. एक तो कर्फ्यू लॉकडाउन जो भी हो, हम चाहते हैं कि हम अपने आवाम का सेहत और जिंदगी का तहफ्फुज़ करें और उनको घर में रहना पड़ेगा तो उनको घर में जरूर रहे, मगर हम उनका जिंदगी बचाए, हम उनका सेहत बचाए। अगर मैं एक बात कर रहा हूँ, अगर मैं कह रहा हूँ घर में रहो, बहुत जरूरी है आप घर में रहो, अगर मेरा वजीर आला कह रहा है कि स्टे एट होम वी कैन फ्री, मगर वफाक से ये पैगाम आ रहा है कि इतना बड़ा बीमारी भी नहीं है, 90% लोग भी पैसे बच जाते हैं, लॉकडाउन का क्या जरूरत है, लॉकडाउन का नुकसान होगा, तो फिर कोई लॉकडाउन ना हमारा ना कहीं और कामयाब होगा। अगर मेरा लॉकडाउन के साथ साथ मैं लॉकडाउन करता हूँ, मगर ट्रेन हमारे यहाँ आ रहे थे जैसे कि आ रहे थे रिसेंटली, तो मेरा लॉकडाउन कितना कामयाब होगा? अगर बॉर्डर लॉकडाउन नहीं होंगे तो किसका लॉकडाउन कामयाब होगा? अगर पंजाब में और पख्तूनख्वा में फर्क होगा और इस्लामाबाद में फर्क होगा तो कितना कामयाब लॉकडाउन होगा? अगर हम अपने मजदूरों को, अपने मजदूरों को, उनके उनके जान को, उनके सेहत को खतरा में डाल के कहेंगे कि आप जाए और काम करते रहो, हम अपना सेहत का और हम अपना जिंदगी का हिफाजत कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो रियासत पाकिस्तान के लिए एक गलत पैगाम है। मैं चाहता हूँ कि हम संजीदगी के साथ मिलके यूनिफॉर्मिटी के साथ इस बीमारी का मुकाबला कर सकते। बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब। मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगा कि जैसा कि आपने पहले अपनी एपीसी में भी बातें की, आज जो पार्लियामानी रहनुमाओं की जो मीटिंग हुई उसमें भी बातें हुई, जो एक चीज सामने आ रही है कि आपको कुछ ऐसी गैर संजीदगी नजर आ रही है। आप भी कह रहे हैं कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ साहब, वो भी कह रहे हैं, तो ये सारा आप क्या समझते हैं कि एक पेज पे सारे सियासतदान कब आएंगे और वज़ीरे आज़म साहब को क्या परेशानी है, वो क्यों अब इस अलमिये के मौके के ऊपर भी जो वो दीगर वो सियासी वो क्यादत है उसकी बात नहीं मान रहे? वज़ीरे आज़म साहब खुद आपको बता सकेगा कि वो क्यों दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है नेशनल कंसेंसस बनाने में, उसका जवाब नहीं दे सकता। संजय साधवानी समा टीवी से सवाल करेंगे। सलामकुम संजय। मुनव्वर आलम, आप मुनव्वर आलम, मुनव्वर आलम, मुनव्वर जी। चेयरमैन साहब मैं आपसे पूछना ये चाहूंगा, आपने कहा कि कोई वजीर आजम को गलत ब्रीफिंग दे रहा है, तो आप तमाम सियासी जमातें
उससे क्यों रابطہ नहीं करती हैं कि जो उन्हें सही ब्रीफिंग दे सके, जो हमेशा से उन्हें ब्रीफिंग देता चला आ रहा है, आप उसी के पास डायरेक्ट चले जाएं, बराह रास्त उन्हीं से रابطہ कर लें। और जो दूसरा मेरा पोर्शन ये है सवाल का कि क्या जो सूरत हाल इस वक्त और जो कारकर्दगी इस वक्त वफाकी हुकूमत की है, आप समझते हैं कि हालात ठीक होने के बाद अब इन हाउस तब्दीली नागुजीर हो चुकी है? ओके, मैं फिर इस पे आना चाहूंगा। शायद गलत इंफॉर्मेशन भी दो डिफरेंट अप्रोच नजर आ रहे हैं इसका मुकाबला करने में। मैं समझता हूँ कि ये एक संजीदा ग्लोबल क्राइसिस है, जिसका अगर पाकिस्तान का कोई चांस है इसका मुकाबला करने के लिए, तो फिर हमारा वजीर आजम को वो रोल अदा करना पड़ेगा, क़यादत का रोल अदा करने पड़ेगा और मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे और नेशनल कंसेंसस डेवलप करना पड़ेगा। मैं इस बात कोई अब भी कह रहा हूँ कि मैं वजीर आजम के खिलाफ या सियासी बयानबाजी में इंगेज नहीं करना चाहता हूँ। मैं कोई कॉन्फिडेंस, ये जो आपका सवाल है इसका जवाब भी नहीं देना चाहूंगा। हम उस पे उस तरफ भी नहीं सोच रहे हैं इस बात इस टाइम में। हम समझते हैं कि जो वजीर आजम के कुर्सी पे बैठा है वो हमारा मुल्क का वजीर आजम है और उनको इस वफाक को लीड करना पड़ेगा। और उम्मीद करते हैं कि रैशनैलिटी विल प्रिवेल। अगर कोई वजीर आजम को बताए कि ना सिर्फ अमीर मुल्क मगर गरीब मुल्क ने भी सख्त कदम उठा के इसको कंटेन करने में कामयाब भी है, जैसे कि नेपाल है। नेपाल के पास ना वो मिसाइल है ना वो रिसोर्सेस है जिनके पास जैसे चाइना या यूरोप के पास होगा, लेकिन उन्होंने सख्त कंटेनमेंट के साथ आइसोलेशन के साथ अपने फ्लाइट्स जल्दी बंद करने बॉर्डर्स और फ्लाइट्स जल्दी बंद करने से इस वायरस को कंटेन करने में कामयाब हुए हैं। हम भी हो सकते हैं, अगर पूरा पाकिस्तान एक हो सकते हैं तो मैं जानता हूं हम भी कामयाब होंगे। आखिरी सवाल है फैयाज नाइट साहब ने सिंध टीवी से। फैयाज साहब सवाल कीजिए प्लीज। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, सबसे पहले तो मैं आपको और आपकी पूरी टीम को, खास तौर पर वजीर आला सिंध को और उसकी टीम को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं। और जब हम आपकी तारीफ कर रहे होते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हम आपके इकदामात की, आपके मुतालबात को इंडोर्स कर रहे होते हैं। तो ये जो आप कह रहे हैं ना कि हमें आपको हमारी तारीफ की जरूरत नहीं है, मुतालबा, ये हम आपके मुतालबात को इंडोर्स करने के लिए आपकी तारीफ कर रहे होते हैं। तो हमारी इस तारीफ को उसमें लीजिए कि हम आपके इन मुतालबात को इंडोर्स करें। तीन चीजें हैं जो मैं चाहता हूं कि आपसे सवाल करूं। इतने बड़े अहम फैसले हुए हैं पूरी दुनिया के अंदर और आपकी हुकूमत ने सिंध के अंदर बड़े फैसले किए हैं, लेकिन मस्जिद अब भी खुली हुई है, मस्जिद के अंदर लोग अब भी इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले मैं कराची के मुख्तलिफ इलाकों में घूम रहा था तो मस्जिदों के अंदर इस्तेमाल अब भी हो रहे हैं, हर दिन पांच वक्त लोग वहां पे जमा हो रहे हैं। हम उन्हें उस हवाले से सिंध हुकूमत ने भी कोई बड़ा कदम बिल्कुल नहीं उठाया। बिल्कुल इसी तरह जैसे कुछ दिन पहले तक रायवंड का जो मामला था उसमें पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत ने कोई कदम नहीं उठाया, तो अब वो जो है वो रायवंड का मामला पूरे मुल्क के अंदर बाजगश्त आ रही है। और वो तबलीगी जो लोग हैं वो अब भी सिंध के कितने शहरों में वो अभी तक अपने काफले बना के घूम रहे हैं, उस हवाले से भी डीसीज को या उसको मेरे ख्याल में कोई हिदायतनामा जारी नहीं हुआ। तो एक तो मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि ये जब काबतुल्ला और करबला मौला और दूसरे हमारे जो मराकज हैं हमारे मजहब के सबसे अपना मोहतरम मराकज, वो लॉकडाउन हो चुके हैं, तो मस्जिदों के बारे में हम और इस तरह के इस्तेमाल मजहबी इस्तेमाल के बारे में हम फैसला क्यों नहीं कर पा रहे इवन द सिंध गवर्नमेंट? दूसरा जो है वो जो रिलीफ पैकेज का अनाउंसमेंट हुआ है 20 लाख खानदानों का 2 मिलियन पीपल का, उसके हवाले से अभी तक कोई मैकेनिज्म सामने नहीं आया, क्योंकि ये जो दिहाड़ी वाला आदमी घर बैठ गया है उसके तो 24 घंटे गुजरे हैं, उसको तो अब चाहिए कोई नंबर, कोई अनाउंस नहीं हुआ, कोई मैकेनिज्म अनाउंस नहीं हुआ कि वो डीसी से रब्ता करे, वो अपने टाउन के चेयरमैन से रब्ता करे। उसके हवाले से बड़ी अर्जेंसी है कि वो जो डेली वेजर बैठा है
उसको अब रिलीफ की जरूरत है, उस हवाले से सिंध गवर्नमेंट मुझे लगता है कि उसके उसको थोड़ा एक्सपीडाइट करना पड़ेगा अपने मैकेनिज्म। आपके सारे सवाल की शुक्रिया। मैं शुरू में कहना चाहूंगा, जैसे मैंने अपने वीडियो पैगाम में भी साफ कहा है कि अगर इस सूबा के अवाम हमारे साथ नहीं देते हैं, अगर इस मुल्क की अवाम हमारे साथ नहीं देते हैं, तो जितना भी इकदाम उठाए हमारा सारी कोशिश जो है वो उतना कामयाब नहीं होगा, वो सैबोटेज होंगे। हम शायद इस तरीके से कामयाब होंगे कि थोड़ा सा इसका फैलाव कम करेगा, मगर वो काफी नहीं होगा। तो हम सिर्फ और सिर्फ तब कामयाब हो सकते हैं जब इस मुल्क के अवाम हमारे साथ देते हैं। मैं आपके थ्रू, आपके चैनल्स के थ्रू, आप सबके चैनल्स के थ्रू एक बार फिर इस मुल्क के अवाम से अपील कर रहा हूँ कि हमारे साथ, तो हमने मिलके एक कौम के इस बीमारी का मुकाबला करना है। मैं आपके आपके बुजुर्गों के सेहत का, जिंदगी के तहफ्फुज़ करने के लिए अपील कर रहा हूँ आपको कि आप अपने घर में रहें। हमने अपना लॉकडाउन का जो सिलसिला चल रहा है उसमें मैं समझता हूँ सिंध हुकूमत ने सख्त इकदाम उठाए हैं। सिंध पुलिस, सिंध रेंजर्स, हमारा अफवाज सुबा सिंध में है और वो इस लॉकडाउन को इन्फोर्स करने की कोशिश भी कर रही है। आपने मस्जिद के बारे में पूछा था, मैं समझता हूँ कि ये किसी भी मुसलमान के लिए एक बहुत बहुत मुश्किल फैसला होता है। हम जब खाना काबा को इस तरीके से देख नजर आता है तो दिल तो खून के आंसू होते हैं, लेकिन जब हमें पता है कि इस्लाम हमें सिखाता है कि आप अपने अवाम के सेहत का ख्याल रखें, आप अपने अवाम का जिंदगी का तहफ्फुज करें, तो फिर हम जानते हैं कि हमें सख्त और मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। तो इसलिए हमारा तारीख में पहली बार जब सिंध हुकूमत ने ये लॉकडाउन का ऐलान किया, उन्होंने साथ साथ नोटिफिकेशन भी निकाला है प्लेसेस ऑफ वर्शिप के लिए, जिसमें मस्जिद भी आते हैं। काफी ज्यादा मसाजिद हमारे साथ कोऑपरेट भी कर रही हैं और मैं उनको आपके थ्रू अप्रिशिएट भी करता हूँ। मैं अपील करता हूँ बाकी रिस्पेक्टेड उलमा से भी, हमने अपना एपीसी में भी रेज किया कि हम अपने मजहबी जमाते से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये पैगाम पहुंचाए कि आप अपने घर में नमाज पढ़े, इबादत करें इस वक्त में जब पूरा दुनिया में ये मुश्किल फैसले लिए जा रहे हैं। अगर ईरान, सऊदी अरेबिया ये मुश्किल हमसे ज्यादा मुश्किल फैसले ले सकते हैं, तुर्की, यूएई, बाकी मुस्लिम दुनिया अपना अवाम की सेहत को बचाने के लिए, उनकी जिंदगी को बचाने के लिए, तो हमें भी सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। मैं जानता हूँ कि सिंध हुकूमत ने नोटिफिकेशन निकाला है और अवाम को हमारे साथ देना पड़ेंगे। अगर साथ नहीं देते हैं तो आई डोंट वॉन्ट टू सी द डे व्हेन द सिंध गवर्नमेंट इज फोर्स्ड टू यूज मोर एक्सट्रीम मेजर्स ऑफ फोर्स to impose their lockdowns. Inshallah, awam hamare saath denge. Ulama zarat se hukumat raaste mein bhi hai taaki hum ye awareness phailaye. Hamara mutalba hai ke hum is pe zor de awareness phailane mein, aur har organization ko hum reach out kar rahe hain ki wo apna role ada kare is mushkil surat hal mein, aur sab अपना किरदार अदा करें ताकि हम अपने अवाम का सेहत और जिंदगी को बचा सकते हैं। जहां तक हमारे अवाम का रिलीफ है वो भी बहुत अहम रोल एक अहम वैल्यू है, और वहां भी मैं कह रहा हूँ कि हम अकेला कुछ भी नहीं कर सकते हैं, अकेला भी करेंगे काफी कुछ, लेकिन हमें सब मिलके इसका मुकाबला करना पड़ेगा। अब तो दैट इज व्हाई हम चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी मिल रहे हैं, जैसे सेलानी है, दीदी है, दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस है। हम आपके थ्रू आप हमारे अवाम को भी दावत देते हैं कि वो भी हमारे साथ कोऑपरेट करें इस रिलीफ एफर्ट में, और सिंध हुकूमत कैश ट्रांसफर प्रोग्राम पे भी काम कर रहा है
ताकि हम अपने मौजूद मिसाइल में लोकेट करके फिल्टर आउट करके जो गरीब आवाम है हम उन तक रिलीफ पहुंचा सकते हैं। तो जो लेकिन जो पूरा मुल्क में सबसे अहम किरदार इसमें जो अदा कर सकता है वो वफाकी हुकूमत है। हम वफाकी हुकूमत से अपील करते हैं कि पूरा मुल्क में वो हर घराना के लिए अनाउंस कर ले 15,000 रुपीज का स्टाइपेंड। अगर आप पूरा मुल्क के लिए नहीं कर सकते हो तो आप फिल्टर आउट करके गरीब तबका को जियो टैगिंग करके आइडेंटिफाई करके हम वहां तक पहुंचाए। हम इस किस्म के एफर्ट्स हमें सब मिलकर करना पड़ेगा। हुकूमत को भी अपना अंदाज में करना पूरा कोशिश करना पड़ेगा और हमने सब मिलके इस मुल्क के अवाम जिनके पास कुछ ज्यादा है हमने भी सब मिलके इस एफर्ट में साथ देना है ताकि हम अपने अवाम को रिलीफ पहुंचा सकें। आप सबको बहुत शुक्रिया। अगर ये सही तरीके से चला है तो इंशाल्लाह ताला हम और प्रेस इंटरेक्शंस इस तरीके से करेंगे। आप सबको बहुत धन्यवाद।